Lovelies out there, how are you doing? I'm Miss Neetu and he, Mr. Bruzo, welcomes you to the channel Dogs Talk This Side. So in today's video, we will be talking about food for your new puppy. जब आप एक नया पपी लाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने उस डॉग के ब्रीडर से बात कर लें कि वो उसे किस चीज़ पर फीड कर रहा था। इसलिए क्योंकि जब आप उसे अपने घर लाएंगे तो वो आप उसे अपनी तरफ से एक बेस्ट डाइट देना चाहेंगे और उस डाइट में हो सकता है कि उसका स्टमक अपसेट हो जाए। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखें अपने और अपने ब्रीड डॉग के ब्रीडर के साथ में। जब हम इसे लेकर आए थे, जब हमने ब्रूजो को लिया, सो हमारे जो पेट ओनर थे ही टोल्ड अस कि आप इसे सेरेलैक पे रख सकते हैं, जो कि बेबीज़ के लिए सेरेलैक अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में। और उसने हमें एक ब्रांड का डॉग फूड दिया जो कि उसकी तरफ से बेस्ट था और हमें वो देना चाहिए। बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि अगर हम इसे ह्यूमन सेरेलैक पे क्यों फीड कर रहे हैं, इन मार्केट्स वी हैव डॉग सेरेलैक्स एज वेल, तो बेटर होगा कि आप उसे एक डॉग सेरेलैक दीजिए रादर देन गिविंग हिम दी ह्यूमन सेरेलैक। जब हम ब्रूजो को लेकर आए सो वी वर टोटली ब्लाइंड कि हमें इसे किस तरह से फीड करना है। ओके, एज वी वर गाइडेड बाय दी डॉग्स ओनर कि हमें इसे इस तरह से खिलाना पिलाना है, बट स्टिल वी वर नॉट सो कॉन्फिडेंट कि हमें इसे कैसे देना है। तो हम इसे इनिशियल लेवल पे सेरेलैक और डॉग फूड देते थे, बट वॉट आई ऑब्जर्व्ड कि इसे सेरेलैक बहुत पसंद था और इसे डॉग फूड बिल्कुल पसंद नहीं था। इसे डॉग फूड खिलाना हमारे लिए एक प्रोजेक्ट वर्क होता था। कभी हम उसमें थोड़ा सेरेलैक मिक्स कर रहे हैं, कभी हम उसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, और फाइनली ऐसे सब करते करते 15 डेज तक धीरे धीरे लाइक ही स्विच्ड ओवर टू दी डॉग फूड। और 1 मंथ कंप्लीट होते होते हमने इसका सेरेलैक कंप्लीटली बंद कर दिया था और हमने इसको डॉग फूड पे स्विच कर दिया था। नाउ पॉइंट नंबर 2 कम्स हियर कि हर डॉग की लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी चॉइसेस, उसका डाइजेशन पार्ट अलग होता है। लाइक आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि डॉग्स को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, दैट्स राइट, कि कुछ डॉग्स को मिल्क डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ को नहीं होता। लाइक इन माय केस मेरे ब्रूजो को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, उसका स्टमक अपसेट हो जाता है। सेकेंडली जब ये आया तब हमने इसे घर का खाने पे भी रखने की कोशिश करी, बट व्हाट वी रियलाइज एंड एक्सपीरियंस दैट कि घर के खाने से ये हमेशा ना एक हंग्री टाइप फील करता था एंड और हमें वो समझ नहीं आता था कि ये क्यों, हम जब खाना खाने बैठ रहे हैं तो वाई ही इज़ प्लंगिंग ऑन आर फूड, अपना खाना खाने के बाद भी क्यों ये इतना इस तरह से बिहेव कर रहा है। देन आफ्टर 2-3 मंथ्स हमें ये रियलाइज़ हुआ, हमें समझ आने लगा धीरे धीरे ऑन आर एक्सपीरियंसेस कि डॉग्स को बेटर होता है कि डॉग्स फूड पे ही रखा जाए। और हमने उसके बाद ये ऑब्जर्व किया कि इसकी ग्रोथ पहले से बेटर होने लगी थी। एंड सम पीपल, आपको कुछ लोग बताएंगे कि हम अपने डॉग को सिर्फ घर के खाने पे ही रखते हैं। आप अगर ध्यान से सुने तो मैंने आपको ये बात बताई है कि हर डॉग्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग टेस्ट डाइजेशन अलग अलग होता है। कुछ डॉग्स को डॉग फूड से एलर्जी हो जाती है, कुछ डॉग्स को एग से होती है, नॉनवेज से होती है, कुछ डॉग को अपने घर के खाने से हो जाती है। सो यू नीड टू हैव अ रेगुलर चेक कि आपका डॉग किस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3 कि आपको अपने डॉग को किस रेशियो में फूड देना चाहिए। सी देयर इज़ नो स्पेसिफिक एज सच रेशियो कि आपको उसको किस रेशियो में देना चाहिए। जैसे अगर आप हैं, आप खाना खाते हैं, कई बार आपकी 2 चपाती खाने का मन करता है बट सब्जी अच्छी होती है तो आप 3 भी खा जाते हैं, यू नो। सो इन दैट वे वट आई विल सजेस्ट यू कि जब आप डॉग फूड लेते हैं तो डॉग फूड के पैकेट्स के पीछे इट्स ऑलवेज दे हैव गिवन दी चार्ट कि आपको अपने डॉग को कितना देना है कितना नहीं देना है। सो दैट इज़ दी गुड ऑप्शन, आप उसी पे जाइए। बाकी आप अपनी ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि उसे थोड़ा ज़्यादा देना है थोड़ा कम देना है। जब आप उसे 2-3 बार देंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। और अगर आप उसको घर के खाने पे रखना चाहते हैं देन आई सजेस्ट यू कि आप एक बार डॉक्टर से इसका डाइट प्लान बना लीजिए हमेशा के लिए, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा कि किस तरह से देना, नहीं तो आपके डॉग बहुत ही हंग्री फील करेगा एट टाइम्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक डॉग फूड होता है ना उसमें
ब्रीड्स, ऐसी ब्रीड्स के लिए, डॉग्स के लिए लाइक ना कंप्लीट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उनको एक स्टमक फीलिंग होते हैं और जो शायद वो घर के खाने में अपने आप को इतना सेटिस्फाई नहीं फील कर पाते हैं। ओके, लास्टली कि आपको उसे डॉग फूड कैसे देना चाहिए अगर आप देते हैं तो। सी, एक तो आपको ड्राई मिलेगा जो पैकेट में मिलेगा जिसको हम किबल्स भी कहते हैं, आप उसको ड्राई फॉर्म में मत दीजिए अंटिल एंड अनलेस योर डॉग इज़ फॉर अबाउट 6 मंथ्स, जब तक उसके अपने टीथ नहीं आ जाते हैं, क्योंकि उसकी उसका थ्रोट उतना डेवलप नहीं होता है कि वो उसको डाइजेस्ट च्यू मतलब स्वेलो कर सके, और वो खाना बहुत ही गर्म होता है और उसको खाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो थोड़ा स्लोली उसे स्वेलो कर पाता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसे सोक फूड दीजिए। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको किस तरह से डॉग के लिए फूड को सोक करके रखना है। हम एक और चीज़, हम चिकन भी ब्रूज़ो को देते हैं बिकॉज अभी ये इसके डेवलपिंग ईयर्स हैं, ग्रोइंग ईयर्स हैं। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसके लिए बोनलेस चिकन बाय कर लेती हूँ, लाइक से अबाउट, अब ये छोटा है तो मैं इसके लिए 100 ग्राम्स 150 ग्राम्स ले लेती हूँ, जिसके अंदर इसके लिए 5-6 पीसेज आ जाते हैं। तो मैं एक टाइम पे इसे 3 पीसेज के हिसाब से ही मैं इसे देती हूँ, एंड नेक्स्ट फिर किसी ऑल्टरनेट टाइम में मैं इसे 3 पीसेज दे देती हूँ। एग्स मैं इसे वीक में एक बार देती हूँ। बनाना इसे खाना बहुत पसंद है, एवरीडे बेसिस पे ये बनाना खाता ही खाता है। सो ये सब चीजें इसके फूडिंग में आती हैं। रेस्ट मैं आपको फिर यही कहूँगी कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन पे देखिए कि आपके डॉग की क्या लाइकिंग है और क्या डिसलाइकिंग है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस, आई होप कि मैंने आपको फूड एक न्यू पपी के लिए क्या क्या फूडिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, आई हैव गिवन यू ऑल दी सजेशंस एंड दी एडवाइजेज एंड आई हैव शेयर माई एक्सपीरियंसिस विद यू। और आज की वीडियो में भी थम्स अप फॉर दी ब्रूज़ो, क्योंकि पूरी वीडियो में बहुत पेशेंटली बैठा है विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी थिंग। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो एंड माई ब्रूजी दिस साइड। सो बाय फ्रॉम बोथ ऑफ अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैप्पी पेटिंग।